जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं निश्चित समाकलन यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन के सभी हॉट ट्रिक्स एक ही वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यानी निश्चित समाकलन से जितने भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी सवाल किसी न किसी पैटर्न पर आधारित होता है, किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। ठीक है, यदि आप उस सवाल का कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो सवाल एक से दो सेकंड में बनेगा, ज्यादा से ज्यादा पांच सेकंड में बनेगा। और यदि आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते हैं, यदि आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो फिर वही क्वेश्चन बनाने में आपको पांच से सात मिनट, दस मिनट का भी वक्त लग सकता है। ठीक है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जिसको हम लोग ट्रिक कहते हैं। ठीक है, वो वाकई में ट्रिक तो होता नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम समय में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता क्या है कि जो क्वेश्चन सेटर होता है उसका माइंडसेट होता है कि बच्चों को किस तरीके से उलझाना है। ठीक है, सवाल बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल होता है। ठीक है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि यह क्वेश्चन कठिन है, यह क्वेश्चन ऐसे बन नहीं सकता है, इसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, हाँ, जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सेट किया जाता है वो किसी न किसी पैटर्न पर आधारित होता है। 100 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन वैसा होता है जो किसी पैटर्न पर नहीं होता है, उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो आपको जो है 100 में से दो चार क्वेश्चन वैसा मिलेगा, लेकिन आपको 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? नहीं, किन्हीं 50 का सॉल्यूशन आपको करना है, तो फिर आपको वो दो चार पांच क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाने में ही फायदा है। ठीक है, उस पर रुक कर अटकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए वैसे क्वेश्चन को छोड़कर जो पूरा का पूरा मतलब पूरे मेथड से बन रहा है। ठीक है ना, हाँ, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रयास है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने के लिए, और वो भी जल्दी से जल्दी और बिल्कुल एक्यूरेट। समझ में आ रहा है, गलती होने की कोई संभावना नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपका जो है ये निश्चित समाकलन का आज हम लोग हॉट ट्रिक देखने वाले हैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जितने प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है सबका आज ऑब्जेक्टिव हॉट ट्रिक हम लोग देख लेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेने वाले हैं। ठीक है, हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब जाकर आप सीख लीजिएगा, और जब आप सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन जाकर बोर्ड एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, नहीं सीखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो निश्चित समाकलन से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट यही बता देते हैं कि जितना भी अनिश्चित समाकलन का कॉन्सेप्ट है, अनिश्चित समाकलन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। अनिश्चित समाकलन का टोटल हॉट ट्रिक आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, हाँ, पहले आपको यह करना है कि अनिश्चित समाकलन के टोटल हॉट ट्रिक को आप देख लीजिए, क्योंकि अनिश्चित समाकलन का जितना भी हॉट ट्रिक है वो निश्चित समाकलन के सवाल को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा पूरा का पूरा। क्योंकि निश्चित समाकलन क्या है तो उसमें एक चीज बढ़ जाता है, क्या? तो अनिश्चित समाकलन के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अब बाद में जो सीमा का मान होता है वो रख देते हैं उसमें, यही तो करते हैं। हाँ, इसलिए आपको कह रहे कि अनिश्चित समाकलन के सभी हॉट ट्रिक को आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, वो निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आपकी पूरी मदद करेगा। बाद बाकी जो प्रॉपर निश्चित समाकलन का कॉन्सेप्ट है वो हम इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन, यहां देख लीजिएगा, सीमा का मान दिया हुआ रहेगा आपका, यहां पर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि ये फंक्शन का जो अनिश्चित समाकलन वाला मेथड है उससे इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है ना, अनिश्चित समाकलन वाला जो मेथड है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट से पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन करने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले उच्च सीमा का मान रखना है, फिर बीच में माइनस देना है, निम्न सीमा का मान रखना है, जोड़ घटाओ जो आपका प्रोसेस है वो करके जो आंसर निकल के आएगा वो आपके निश्चित समाकलन का आंसर कहलाएगा।
जैसे यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि होल पावर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आपको लगेगा, बताए हुए हैं सीमा का मान है a से b। देख लीजिएगा x के जगह पर पहले b रखना है तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बटा में 2 माइनस x के जगह पर फिर a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटा में 2। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है तो सबसे पहले उस फंक्शन का अनिश्चित समाकलन का जो मेथड है इंटीग्रेशन करने का, उससे या उस कॉन्सेप्ट से आप पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन करने के पश्चात जो सीमा का मान दिख रहा है वो आपको पहले x के जगह पर ऊपरी सीमा का मान रख देना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, और x के जगह पर निचली सीमा का मान रख देना है, जोड़ घटाव कर लेना है, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। इधर मान लीजिए कि सवाल कुछ ऐसा आपका है, सीमा का मान है 1 से 2 और यहां लिखल है x प्लस फाइव इंटू dx। तो पहले x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5x। सीमा का मान आपको रखना है पहले x के जगह पर 1 और फिर रखना है 2। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 बटा में 2 और प्लस x के जगह पर 1 रखेंगे तो 5 इकाई 5, ठीक है, 5 इकाई 5। और बीच में क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, अब x के जगह पर 2 रखना है तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बटा में 2 और प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा आपका 10। ये कट गया दो बार, इधर हो जाएगा 5 5 दूनी 10 है कि 11 बटा 2 और माइनस 10 2 12, ये हो जाएगा 12 दूना 24 में से 11 घटेगा ना, 12 दूना 24 में से 11 घटेगा, भिन्न का घटाव कर रहे हैं, देख लीजिए ना, इसका लॉस 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 11 और माइनस 24 घट के कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 13 ना, ये हो जाएगा -13/2, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -13/2 के बराबर। तो ऐसे ही कोई भी फंक्शन यदि आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा फंक्शन आपको देगा जिसका कि आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के पश्चात आपको यही काम करना है। ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो सीमा का मान आपको दिख रहा है इसमें पहले ऊपरी सीमा x के जगह पर फिर माइनस देके निचली सीमा रखेंगे, जो जोड़ घटाव करके मान निकलेगा, निश्चित समाकलन का आंसर कहलाएगा। अब आइए मेन ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, समझिएगा ठीक से, यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, गौर करेंगे इधर, यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो, जितना सीमा का मान नीचे दिया गया है यदि उतना ही ऊपर में दिया गया हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, फंक्शन चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सीमा का मान यदि सेम टू सेम है, फंक्शन चाहे कुछ भी है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। फिर से आपको बता दे कि सीमा का मान चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, सीमा का मान चाहे कुछ भी हो, सॉरी, सीमा का मान सेम टू सेम हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है π/2 से π/2 और यहां लिखा है साइन के पावर में, गौर करेंगे इधर, साइन के पावर में 100x इंटू dx। अब सुनिए, जैसे ही आपको यह सवाल पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको एक बात बता दे कि यदि आपको यह कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि सीमा का मान यदि सेम टू सेम हो, ठीक ना, और फंक्शन चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है, तो आप इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो पहले सोचिएगा कि साइन एक्स के पावर में 100 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन ना मिलेगा, ठीक है ना, तो जब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा तो आप उलझ जाइएगा ऐसे सवाल में। लेकिन यह क्वेश्चन देखने में तो कठिन है, लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्ट जान जाते हैं, जब आप इसका ट्रिक पहचान जाते हैं, जब आप क्वेश्चन का टाइप जान जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बनाना आसान है। देख लीजिए, सीमा का मान सेम टू सेम है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, हो तो गया, बस सिंपल है यही। जैसे देख लीजिए और क्वेश्चन कि 5 से 5, यहां लिखेंगे, देखिएगा गौर से देखिए, log
एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री ले इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप खोजते रहिए कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, खोजते रहिए। होगा ही नहीं इंटीग्रेशन ठीक से आपसे, मैंने सोचते रह जाएगा इसके इंटीग्रेशन के बारे में। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि सीमा का मान यदि सेम टू सेम हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा बाबू? जीरो के बराबर होगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा ऐसे कॉन्सेप्ट में कि सीमा का मान सेम टू सेम हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन उसका हमेशा जीरो के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरा समझने का प्रयास करेंगे। सीमा का मान माइनस ए से ए हो, ठीक है, सीमा का मान माइनस ए से ए हो और आपका फंक्शन जो है मोड ऑफ एक्स डीएक्स हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे। आपके सीमा का मान माइनस ए से ए हो और फंक्शन आपका जो है वो मोड ऑफ एक्स डीएक्स हो, यानी फंक्शन में हमेशा मोड ऑफ एक्स ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि फंक्शन मोड ऑफ एक्स डीएक्स हो तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, एकदम आसान काम। यो जो उच्च सीमा आपको दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना, उच्च सीमा का स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बन जाएगा कब? तो जब आप इसके उच्च सीमा का स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे देखिए, सीमा का मान मान लीजिए कि माइनस वन से वन है और यहां मोड ऑफ एक्स डीएक्स है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। सीमा का मान माइनस वन से वन है यानी माइनस ए से ए है, फंक्शन आपका है मोड ऑफ एक्स डीएक्स। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए उच्च सीमा का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक के बराबर। सवाल, सीमा का मान माइनस दो से दो है, ठीक है ना, और यहां पर आपका फंक्शन है मोड ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो सिंपल काम करना है आपको, ठीक है। सीमा का मान माइनस ए से ए है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो उच्च सीमा का स्क्वायर यानी उच्च सीमा यानी दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? चार। इसका इंटीग्रेशन चार के बराबर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि सीमा का मान माइनस पांच से पांच हो, ठीक है, मोड ऑफ एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो सीमा का मान माइनस ए से ए है, इंटीग्रेशन पूछा जाए तो उच्च सीमा जो दिख रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे यानी पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पच्चीस के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका पच्चीस के बराबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यह तीसरा कॉन्सेप्ट आपका है, देखिएगा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि सीमा का मान माइनस ए से ए हो, ठीक है, सीमा का मान माइनस ए से ए हो और यहां जो फंक्शन दिया गया है वो ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन का मतलब आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ, ऑड फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होता है, ठीक है ना। यदि आपका सीमा का मान माइनस ए से ए हो और जो फंक्शन यहां पर दिया गया है, यदि ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन का मतलब आपको पहले समझा देते हैं, यहां पर पहले मोट बात समझ लीजिए कि एक्स के पावर में या वाई के पावर में ऑड संख्या हो, ठीक है ना, एक्स के पावर में या वाई के पावर में ऑड नंबर हो, ऑड नंबर माने विषम संख्या, विषम संख्या माने दो से नहीं कटने वाली संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक्स के पावर एक, एक्स के पावर तीन, एक्स के पावर पांच, एक्स के पावर सात, डॉट 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 और भी, ठीक है। यदि एक्स के पावर में ऐसा विषम संख्या आ जाए और सीमा का मान माइनस ए से ए हो, यानी सीमा का मान सेम टू सेम हो लेकिन एगो नीचे में माइनस हो और ऊपर में प्लस हो, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन, गौर करेंगे इधर, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। या ऑड फंक्शन में और भी आपको बता दे कि साइन के पावर में ऑड नंबर हो, ठीक है ना बाबू, साइन के पावर में ऑड नंबर हो, जैसे जैसे साइन एक्स, जैसे साइन के पावर में थ्री एक्स, जैसे साइन के पावर में नाइन एक्स और भी डॉट,
डॉट डॉट और भी, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है ऑड फंक्शन है, इसलिए ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सीमा का मान माइनस ए से ए होना चाहिए, ठीक है ना। ऑड फंक्शन में और आता है आपका टैन, टैन के पावर में ऑड नंबर हो, या फिर इसी तरीके से कॉसेक, कॉसेक के पावर में ऑड नंबर हो, ठीक है ना। तो ये सबका सब जो है आपका विषम फलन है, यानी कि ऑड फंक्शन है। अच्छा, मेन बात अब आपको बता देते हैं यहां पर कि जो फंक्शन आपका एफ एक्स के रूप में दिया हुआ रहेगा उसमें आपको क्या करना है कि एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखना है, ठीक है ना। हाँ, आपको क्या करना है कि जो फंक्शन आपका एफ एक्स दिया हुआ रहेगा उसमें एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखना है। अच्छा, जब आप एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं और उस फंक्शन का मान माइनस में निकल के आ जाता है, माने माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है। गौर से समझेंगे, यदि आप फंक्शन में एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखे और उसका मान माइनस में निकल गया, यानी माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, तो वो आपका ऑड फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। वो आपका क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। और ये भी ऑड फंक्शन होगा, तो जितने भी ऑड फंक्शन है सबका इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होगा। जैसा कि आपके यहां दिख रहा है, ऑड फंक्शन पहचानने के लिए कुछ यहां पर हमने फंक्शन भी लिखा है और यहां पर उसका कॉन्सेप्ट भी हम लिख दिए हैं। यदि इनमें से कोई नहीं है तो आपको यहां से चेक कर लेना है कि आखिर एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखने पर उसका मान माइनस के रूप में आ रहा है कि नहीं। यदि माइनस के रूप में आ रहा है तो समझ लीजिए ऑड फंक्शन है, और वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, जैसे सवाल आपका है कि सीमा का मान माइनस पांच से पांच एक्स के पावर नौ डीएक्स। देख लीजिए, सीमा का मान माइनस ए से ए है और यहां एक्स के पावर में नौ है, तो ऑड फंक्शन है, इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे सीमा का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहां है साइन के पावर में निन्यानवे एक्स इंटू डीएक्स। देख लीजिए, सीमा का मान माइनस ए से ए है, यहां साइन के पावर में ऑड नंबर है, ठीक है ना। साइन के पावर में ऑड नंबर है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है, जीरो के बराबर। क्वेश्चन देखेंगे कि माइनस एक से एक, ठीक है ना, एक्स के पावर थ्री प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है ना, टेन एक्स इंटू डीएक्स। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सीमा का मान माइनस ए से ए है, यहां देखिए x के पावर में ऑड नंबर है, विषम फलन है, यहां भी साइन के पावर में ऑड नंबर है, विषम फलन है, टेन के पावर में ऑड नंबर है, विषम फलन है, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, यानी टोटले के फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना के बराबर हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर। क्लियर है, समझ में आ गया, क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिएगा, यदि आपका फंक्शन, गौर करेंगे इधर, यदि आपके सीमा का मान एक से, सॉरी, ए से बी और कोई फंक्शन डीएक्स प्लस सीमा का मान बी से ए फंक्शन डीएक्स, ठीक है, गौर करेंगे इधर, ध्यान से सुनिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, फंक्शन यदि दोनों का सेम टू सेम हो, गौर करेंगे, फंक्शन यदि दोनों का सेम टू सेम हो, यहां देखिएगा सीमा का मान में अंतर हो, अंतर क्या, स्थान का अंतर हो, ठीक है। फंक्शन दोनों सेम टू सेम हो, सीमा के मान में स्थान का अंतर हो, स्थान का अंतर कैसे है, देखिए यहां जो निम्न सीमा में है वो यहां उच्च सीमा में है, जो यहां उच्च सीमा में है वो यहां निम्न सीमा में है, ऐसे देख लीजिए ऐसे, और इसका योगफल आपको यदि कह दे तो हमेशा जीरो के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। फिर से, फंक्शन सेम टू सेम हो, सीमा के स्थान में अंतर हो, जो यहां निम्न सीमा में है वहां उच्च सीमा में दिख रहा है,
जो यहां उच्च सीमा में है वह यहां निम्न सीमा में दिख रहा है, ठीक है ना। तो यदि ऐसा आ जाता है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है हमेशा कितना होगा, जीरो के बराबर। जैसे सीमा का मान है 2 से 5 एक्स के पावर 10 डी एक्स प्लस सीमा का मान है 5 से 2 एक्स के पावर 10 डी एक्स, एक्स के पावर 10 डी एक्स, ठीक है। अब देख लीजिए, यहां देखिए फंक्शन ज्यों का त्यों है, ठीक है ना। यहां देखिए सीमा के स्थान में अंतर है, जो नीचे है वो ऊपर दिख रहा है, जो ऊपर है वो नीचे दिख रहा है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सीमा का मान 0 से π/2 हो, ठीक है ना। सीमा का मान 0 से π/2 हो, और यहां पर स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही ज्यादातर रहता है, ठीक है। सीमा का मान यदि 0 से π/2 हो और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऊपर में हो वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नीचे में भी हो, ठीक है ना। हाँ, बीच में प्लस हो और इसी का 90° -θ इसके बगल में दिख जाए, समझ में आ रहा है। अब पावर सबका सेम टू सेम हो, इसका पावर एक है, इसका पावर एक है, इसका पावर भी कितना है, एक है, ऐसा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, ठीक है ना। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं, जैसे सीमा का मान 0 से π/2, ठीक है ना, साइन के पावर में है 3/2x, नीचे कॉस के पावर में है 3/2x और प्लस साइन के पावर में है 3/2x इंटू dx। देख लीजिए सीमा का मान 0 से π/2 है, जो फंक्शन ऊपर में है वही नीचे में है, और इसका 90° -θ इसके बगल में दिख रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होगा, शर्त है कि सीमा का मान 0 से π/2 ही होना चाहिए, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर सीमा का मान 0 से π/2 है और यहां आपका है tan के पावर में 5x बटा में tan के पावर में 5x प्लस cot के पावर में 5x इंटू dx। गौर करेंगे, इधर देख लीजिएगा, सीमा का मान 0 से π/2 है, जो फंक्शन ऊपर में है वही नीचे में है, इसका 90° -θ इसके बगल में दिख रहा है, बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होगा, ठीक है ना, हमेशा π/4 के बराबर होगा। और भी क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर देख लीजिएगा सीमा का मान 0 से π/2 है, ठीक है, यहां हो जाएगा आपका sec x रूट अंडर, फिर हो जाएगा बट्टा में रूट अंडर sec x प्लस रूट अंडर cosec x, रूट अंडर cosec x dx। गौर करेंगे, इधर देखिए सीमा का मान 0 से π/2 है, जो फंक्शन ऊपर में है वही नीचे में है, और इसका 90° -θ इसके बगल में दिख रहा है, सबका घात सेम टू सेम है। हाँ, रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पावर में 1/2 है ना, तो घात सबका सेम टू सेम है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यदि गौर करेंगे इधर, यदि ऐसा दूसरे फंक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे सीमा का मान 0 से a हो, ठीक है, सीमा का मान 0 से a हो और इसके बाद जो फंक्शन यहां दिख रहा है वही फंक्शन इसके नीचे हो, और प्लस प्लस यहां पर देख लीजिएगा a माइनस x इसके बगल में हो, ठीक है, इंटू dx हो, ऐसा। फिर से देख लीजिए सीमा का मान 0 से a हो, जो फंक्शन ऊपर में हो वही नीचे में हो, और इसके बगल में ये उच्च सीमा माइनस फंक्शन, यहां पर x जो रहेगा वो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो उच्च सीमा है उसके बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, उच्च सीमा के बटा में कितना हो जाता है, 2। जैसे अब देख लीजिए क्वेश्चन, सीमा का मान मान लीजिए कि 0 से 2 है,
यहां x है, यहां भी x है, अब प्लस यहां है आपका 2 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एकदम सिंपल इंटीग्रेशन, जो उच्च सीमा दिख रहा है, ठीक है ना, जो उच्च सीमा दिख रहा है उसके बटा में कितना हो जाएगा आपका 2, उच्च सीमा के बटा में कितना हो जाएगा 2, सिंपल है, समझ में आया सभी को, उच्च सीमा के बटा में कितना हो जाएगा आपका 2, क्लियर हो गया, देख लीजिएगा, उच्च सीमा है आपका 2, अब बट्टा में 2 कट गया कितना 1 के बराबर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 के बराबर, क्लियर हो गया। तो ये था आपके निश्चित समाकलन के जितने भी हॉट ट्रिक है, ठीक है, वो आपको बताया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जरूरी है तो और भी बहुत सारा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इतना ही सफिशियंट है। आप निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को उठाकर देखिए, सवाल आपका जो है धरधराकर टोटल क्वेश्चन बन जाएगा निश्चित समाकलन का, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।